अलीबाग जाने के लिए सबसे पहले हमें आना है चर्च गेट में, एंड चर्च गेट से आपको स्टेशन के बाहर ही A116 की बस मिल जाएगी, जो कोई सामने खड़ी है, एंड अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 5 मिनट का ही रास्ता है। बस 5 मिनट में ये आपको चर्च गेट पहुंचा देगी, एंड चर्च गेट जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर आपको बहुत सारी फेरी मिल जाएगी। बात करते हैं फेरी की, तो सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगी। सबसे पहले जो मोस्ट फेमस फेरी है इसका नाम है M2M, जिसका नाम है मुंबई टू मांडवा। सेकंड है अजंता, एंड थर्ड है PNP। अजंता का जो प्राइस होगा थोड़ा सा आपको चीप रेट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको PNP का भी थोड़ा नॉमिनल रेट में मिल जाएगा। रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपको 2-व्हीलर लेके आना है, 4-व्हीलर लेके आना है, तो M2M फेरी में जरूर जाना। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं मांडवा। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 45 मिनट्स का जो था टूर। अगर आप लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों को अगर आप 2-व्हीलर से आओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत आओ, क्योंकि अगर आप लोग ये लेके आओगे तो दैट इज़ वेरी बेस्ट, बिकॉज यहाँ से कैसा है कि आपको थोड़ा टाइम जाएगा, बट अगर आप 2-व्हीलर या 4-व्हीलर है तो बात अलग है। फैमिली के साथ अगर 2-व्हीलर लोगे तो इट्स वेरी लॉन्ग एंड इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 45 मिनट्स में मांडवा। अभी यहाँ से हम जाते हैं, बस लेते हैं, अभी चेक करते हैं कि इनकी बस खुद की है या फिर क्या कॉस्ट होगा, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई अभी चलो पीछे, सो भाई लोग सर यहाँ से अभी हम लोग अपने उतर चुके हैं अपने फेरी से, एंड यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की फेरी मिलेगी आप लोगों को। आप लोग यहाँ से निकलते हो बाहर, तो आप लोग जिस बाहर होगा तो आपको बहुत सारे कैंडीज एंड आप लोगों को स्नैक्स के शॉप्स मिल जाएंगे, तो कुछ भी खाने पीने का सामान रहेगा अगर आप लोग मांडवा में जैसे उतरते हो आप डायरेक्ट वहीं से आप लोग ले सकते हो। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग कोई बस या टैक्सी करते हैं, डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी प्राइवेट आपको शायद आपको आपकी जेट चाहिए, शिप चाहिए, आप वो भी बुक कर सकते हो, या साथ ही साथ इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो बुक योर प्राइवेट कैब। एक कैब होती है जो कि रेमंड ने स्पॉन्सर किया है, तो डायरेक्टली आपको बाहर तक छोड़ती है। अगर आपका ये अच्छा है, ये सॉरी बजट अच्छा है, देन यू कैन गो विद दैट। लाइक टू डू सम स्विमिंग ओवर हियर। यू आर फ्रॉम वेयर? रशिया। यू आर फ्रॉम रशिया? आई केम फ्रॉम रशिया। यू लुक लाइक पाकिस्तानी। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट डोंट टेल इन दिस व्लॉग। या इट्स ओके, वी आर आई एम इन रशिया राइट नाउ। या सो वेयर आर यू ब्रो? आई एम इन रशिया, आई एम इन इंडिया। व्हाट रशिया? रशिया यू आर डूइंग? आई एम रशियन ना। हां बट दिस इज इंडिया। आई डोंट नो इंग्लिश। यू डोंट नो इंग्लिश? हां। मांडवा में उतरने में दोस्तों आपको अजंता की खुद की एक प्राइवेट बस मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई चार्जेस नहीं होगा। एक बस मिल चुकी है, एंड ये जो बस है ये डायरेक्टली आप लोग जो फेरी करके आओगे उनकी तरफ से फ्री होगी, जो कि हम लोग को अलीबाग तक छोड़ेगी। अगर आप लोगों को नएगा या दूर जाना तो आपको वहाँ से आपको चेंज भी करना पड़ेगा। प्राइवेट आपको अलग से मिल जाएगी जो थोड़ा कॉस्टली होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 800 या प्रोबेबली उससे थोड़ा ज्यादा होगा, बट व्हाट यू रिकमेंड? 300 नएगा उसे 300 होगा। तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ से बस लो, वहाँ से आप लोग चेंज कर लो, क्यों इतना पैसा देना है। सर्विस राइट, पहले हम लोग को 45 मिनट्स फेरी से लग गया, एंड देन फिर हम लोग को बस से, जो बस थी उसमें और 45 मिनट्स लग गया, तो पकड़ के चलो 2 घंटा इसी में ही आने वाला आपका। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट अलीबाग में आना है तो आप लोग अलीबाग सिटी में आ से 2 घंटा लगेगा। आप लोग अगर चर्च गेट से पकड़ के आते हो फेरी, और अगर आप लोगों को शॉपिंग करना है नॉर्मली कुछ, जैसे कि अगर आप लोगों को ट्रैक्स वगैरह कुछ खरीदना है, यहाँ पर बहुत सारे लोकल शॉप से, अरे यहाँ पर बहुत सारे आपको लोकल शॉप मिल जाएगा जहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, एंड साथ ही साथ जैसे कि अगर आप लोगों को ट्रैक्स लेना है, क्योंकि अगर आप कोई बोल गए ट्रैक्स वगैरह लेना तो आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेसिक्स, मतलब मुंबई जैसा है उसी है, सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज़ें भूल जाते हो जैसे कि कपड़े एंड टॉवल्स एंड ऑल, देन यू कैन कम हियर एंड यू कैन डेफिनेटली गेट। अगर आपकी कैब से भाई, क्या रेट है इसका? अभी हो ना, क्या प्राइस है इसका? 150 रुपये का। क्या हो रहा, ले लूँ यार 150, सही है, सौ का कर दो 100 रुपीज़। 120 नहीं यार, अगर मुंबई से इतना दूर आया तो 100 तो करना बनता है भाई। 100 कर दो भाई, ले लूँगा अभी अभी। तो यहाँ से मैंने जस्ट चेक कर लिया है यहाँ से कैब, एंड मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ का पड़ा। कितना बोला था तेरे को? 100 में लिया, कम नहीं किया भाई, 150 बोल रहा था, 200 में दे रहा था। 100 रुपीज़ में कैब मिल गया है, बंदे ने कर दिया कैब, तो थोड़ा क्या रीजनेबल रेट में मिल चुका है, एंड खाने पीने की चीज़ भी आप सब आजू बाजू में मिल जाएगी। हालत ख़राब हो गई है लिटरली, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रिकमेंड करूँ अगर आप लोग
टू व्हीलर से आते हो तो थोड़ा टफ हो जाएगा, अगर आप लोग राइडर हो तो कर सकते हो। क्या बोलते हैं, रिकमेंड क्या करना चाहिए, टू व्हीलर सही रहेगा या फिर? टू व्हीलर बिल्कुल नहीं। क्यों? बोट राइड करो, मजा आएगा। देख भाई, टू व्हीलर कॉस्टली पड़ेगा, ये अपना जो है सस्ता पड़ेगा थोड़ा। कॉस्टली की बात नहीं है यार, अभी गर्मी में ना टू व्हीलर आने लायक नहीं है, बहुत बेकार है। क्योंकि आने लायक बोट 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 अच्छा है, उसके बाद बस सर्विस मिलता है खाली बात करा, उसके बाद फिर यहाँ से टम टम करके चल जाएगा। अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा अपन को? आधा घंटा ज्यादा बोल देखो। किधर किधर किया था अपना? कमी करा, काहीतरी कमी करा। कितना छोटा लोग, मैं आगे बढ़ने वाला है। पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, जिससे कि हम लोग गांव में आते हैं ना, गांव में जिससे कि हम लोग टमटम में बैठ के एक साथ क्राउड घुस जाते हैं, वही वाली पूरी तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस बीच रिसोर्ट, और बहुत लंबा सफर था, ऐसा लग रहा था कि कब खत्म होगा, और फाइनली आके लंबा सफर खत्म हो चुका है। अविनाश भाई, हाउ आर यू? गुड गुड। चलो अभी एंजॉय करना है। फाइनली ब्रिज कैसा लगा? बहुत खराब, बहुत गर्मी थी, क्योंकि गर्मी थी तो लोगों को आप लोग देख सकते हो रिव्यू कैसा है, थोड़ा लंबा है, क्योंकि बारिश के टाइम पर अगर आप लोग आओगे तो गर्मी नहीं लगेगी, वो ठंडा और फ्रेश रहेगा माहौल, क्योंकि ये पूरा गांव इलाका है। और ये है व्हाइट हाउस बीच रिसोर्ट। यहाँ का जो भी कॉस्ट है आप लोगों को मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसके अंदर के जो जितने भी बेसिक शॉट्स है उसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से ए टू जेड बताऊंगा कितना कॉस्ट है, क्या है प्राइसिंग एंड ऑल। इसमें लंच है, ब्रेकफास्ट है, एक चीज़ इसमें बेनिफिट है कि आप लोगों को इंटरनल स्विमिंग पूल मिल जाएगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर घुसते और देखते हैं यहाँ पर और क्या है। सो गाइस देखो, जैसे कि ये है स्विमिंग पूल, एंड ये ज़्यादा गहरा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली समथिंग रहेगा ये, मेरे को देख के ऐसे लग रहा है कि 4 फीट रहेगा अंदाजे से, बट बहुत छोटा है जिस तरीके से दिखाया गया था वीडियो में, बट जो भी मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, मतलब डीप नहीं। अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्विमिंग करना है तो आप लोग अलग जगह पर रिकमेंड करूँगा। एंड ये है स्विमिंग पूल का जो लुकआउट है, सो यहाँ से एंट्रेंस है, सो दिस इज एंट्रेंस, यहाँ पर आप डायरेक्टली आप लोगों को डायरेक्टली सीनरी मिल जाएगा आउटसाइड का, ये डायरेक्टली आउटसाइड का सीनरी है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने सामान रखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, एंड यहाँ पर टीवी एसी भी, एंड देन कमिंग अप टू दिस वॉशरूम, नॉट बैड, क्लीन है भाई। सो हाउ ब्रो, स्वच्छ रूम है। तो अमूल क्या रिकमेंड करता है, किस तरह के रूम एंड बजट के हिसाब से सही है? नहीं, मैंने बुक किया है तो बहुत अच्छा है, इंडोर पूल भी है और रूम भी बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, रूम अच्छा है, क्या रूम में चाहिए भाई, लगा बहुत सुमा नहीं तुम्हारा भी जाना। तो चैनल टू वेलकम टू चैनल, एंड ये है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल कितना भाई भाई एक नंबर, क्या गहरा है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे चल।